दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इस खास खबर को। जैन समाज खातेगांव द्वारा मुनि संघ के सानिध्य में आयोजित 5 दिवसीय सम्मान समारोह के चौथे दिन 2 सत्रों में लगभग 130 कोरोना योद्धाओं को और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें खातेगांव स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, समाज सेवी और समाज के जाने माने लोग थे। संदीप पटानी, प्रियेश लोहड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह को कई सत्रों में विभाजित किया गया था और उन्होंने काफी आभार जताया जिन्होंने कोरोना काल में सबकी सेवा की है। वहीं जिनका सम्मान हुआ वो भी काफी प्रसन्न नजर आए, क्योंकि उन्होंने पूरे तन मन धन से कोरोना समय में समाज की सेवा की है और इस तरह का सम्मान पाकर उनका उत्साहवर्धन होता है। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के आचार से हिंसा का जग से नाश हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से खातेगांव में विराजित मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में और उन्हीं की मंगल प्रेरणा से जीव दया सम्मान 2020 5 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया है, जिसमें लगभग 500 कोरोना योद्धाओं और समाजसेवी बंधुओं का, समाजसेवी संगठनों का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। पूरी प्रेरणा और आशीर्वाद मुनि संघ का ही है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया है महाराज श्री के द्वारा, आंगनबाड़ियों में परिवर्तन को लेकर भी कुछ कहा गया। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से देखें तो सबसे पहले सफाई कर्मी, युवा वॉलंटियर्स जिन लोगों ने बिना कोई सरकारी मदद के यहाँ पर अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर्स हों, पुलिस कर्मी हों, स्काउट के गाइड्स हों और आज महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, इन सभी ने निस्वार्थ सेवा से कोरोना को लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए हमने उनका सम्मान किया है। आज चौथे दिन तक लगभग 425 कोरोना योद्धाओं का हम सम्मान कर चुके हैं। रही बात आंगनबाड़ी में अंडा वितरण की, तो चूँकि सरकार और शासन इस ओर अग्रसर था कि आंगनबाड़ी में अंडा का वितरण किया जाए और जैन समाज और हिंदू वर्ग जो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो शाकाहार में विश्वास करता है, तो हमारी भी सरकार से इस मंच के माध्यम से यही मांग है। चूँकि अंडे में भी किसी न किसी जीव का अंश है, वो भी माँ मुर्गी का एक लाल है, तो क्यों हिंसा के पथ पर अग्रसर होकर एक जीवन को प्रौढ़ बनाने के लिए, आने वाले बचपन को ऊर्जावान बनाने के लिए। आयोजक है उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस हमको कोरोना वॉरियर सरकार द्वारा जैसे घोषित किया है, लेकिन जैन समाज के बंधुओं द्वारा भी हमें समझा गया कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिका भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और कोरोना के लिए उन्होंने घर घर जाके जो सर्वे कार्य किया है, काढ़े का वितरण किया है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ में जो उनकी ड्यूटी लगी है तो उन्होंने इसमें ये भी जांच की है कि घर में किस सदस्य को सर्दी बुखार या है तो उनसे कैसे दूरी बनाए रखे, घर में ही आइसोलेट कैसे हो और कोरोना के जो महत्वपूर्ण बचाव हेतु जो परामर्श दिया गया कि आपको बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोना है और सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, किसी से भी मिलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है।